दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हैंड वॉश बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। जो दोस्त मेरे से तकरीबन एक महीने से ये तजर्बे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, उनको तो पता है जब से मैंने बेस बनाना सीख लिया है ना, अब हर चीज़ इतनी आसान है। अब यकीन करो कि मैंने ना 2 साल लिटरेचर पढ़े, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ी, ये तजर्बे पढ़े, ये फार्मूला पढ़ पढ़ के पागल हो गया। जब से ये ना छोटी सी लेप बनाई घर में, छोटे से कोने में, यकीन करो 1 महीने में सब कुछ सीख गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी रिसर्च किए, ये पूरे किताबें भरे हुए, देखो ये मैंने 2 साल में रिसर्च किया, अपने हाथ से लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ से नहीं सीखा जो मैंने इस लेप से सीखा है। आइए हैंड वॉश के लिए भी पहले बेस बनाएंगे। ये मैंने 2 ट्रायल किए, अब ये अभी तैयार नहीं किया है, ये तैयार हो चुका है, ये तैयार नहीं किया है। इसमें सिर्फ पानी और जनाब अली साल्ट और शैम्पू बेस SLES पड़ा हुआ है। ये इसको 10 घंटे हो गए, देखो बिल्कुल साफ शिफाफ पानी हो गया। ये 6-7 घंटे के बाद इस तरह हो जाए तो इसका मतलब इसने बॉन्ड्स बन गए हैं पानी में, पानी और केमिकल ने आपस में बॉन्ड्स बना लिए हैं, मालिक्यूल्स जुड़ गए एक दूसरे से, OH और H+ ने अपना जोड़े बना लिए हैं। वो ये अपने अपने कुदरत का एक निज़ाम है ना, हम एटम को तोड़ नहीं सकते, उसको रिप्लेस करेंगे, डोनेट करेंगे, एक दूसरे को मिलाएंगे, ये हो गया। ये है बेस जो मैं सब दोस्तों को कहता हूँ, जिसने बेस सीख लिया सब कुछ सीख लिया। ये रात को तकरीबन 12 बजे बना के मैंने ये भी रखा था और ये भी रखा था, तो यह तकरीबन सुबह में 10 बजे उठा, उसके बाद इसमें मैंने सारी चीज़ें डाली, अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंड वॉश तैयार हो गया। 2 स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। हर 15 मिनट के बाद सारे केमिकल डालते जाओ, मिक्स करते जाओ, ये आपको तैयार हो गया। जो असल बेस है ना, ये बेस, इसमें जल्दी नहीं करो। देखो अभी एक झाग बन गई ना, इसको इत्मीनान से बाहर निकाल के फेंक दो। इसमें झाग जो बन जाए, अब मिलावट में झाग बन जाती है, इसको अलग कर दो, ये बुलबुले ना तंग करेंगे। ये बेस है, बेस में पानी, अगर आप नमक नहीं डालना चाह रहे तो नहीं डालें, तो आप शैम्पू बेस और पानी मिक्स करके कम से कम 6 घंटे रख दो, मैं तो 10 घंटे रखा। देखो कुदरत का एक निज़ाम है, जैसे ना 1 महीने से सबको इससे खा रहा हूँ, आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है हैंड वॉश का, ठीक है। तो ये पहली मरतब मैं खुद बना रहा हूँ, बच्चे फैक्ट्री में बनाते थे, वो दिखाते भी थे, तो ये पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हैंड वॉश बनाया, पहली मरतबा बन गया। क्यों बना? क्योंकि ये हैंड वॉश बनाना मैंने सीख लिया है, ठीक है जनाब अली। ये सुबह उठा 10 बजे, इसमें ये था, इसमें फिर जनाब अली में के ग्लिसरीन डाली, परफ्यूम डाला, कलर डाला, पहले लुकिड डाला, DM डाला और हिलाया, ये आपका हैंड वॉश। और क्या क्या चाहिए जनाब? जिसने बेस सीख लिया उसने कॉस्मेटिक जितने भी आइटम हैं, हैंड वॉश, डिश वॉश, लिक्विड सोप, हेयर शैम्पू, जो जो चीज़ आप कहोगे आप सीख, वो बनाना आसान है। तो आज जनाब ये मेरा हैंड वॉश भी तैयार हो गया, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की दुआ लगी यार, मैं तो ऐसे खेल रहा हूँ ना, हो सकता है किसी को फ़ायदा हुआ हो हेयर शैम्पू के सारे प्रोसेस में, कोई इसकी कोई बच्चा फंसा हुआ हो, उसको रास्ता मिल चुका हो। तो अल्लाह, मैंने आज एक रात को ऑर्डर दिया, बच्चे ने कहा बाबा मुझे 19,000 बोतलों का ऑर्डर मिला है हैंड वॉश का, मुझे बना के दो। तो बच्चा भी आया है नहीं हैदराबाद से, तो वहाँ से टेलीफोन किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तैयार कर लिया। रात 12 बजे टेलीफोन किया, 12 बजे में उठा, पानी डाला और शैम्पू बेस डाला, नमक डाला, डाल के मैंने रख दिया। सुबह 10 बजे उठा, बाकी मैंने चीज़ें डाली, हैंड वॉश, बेहतरीन हैंड वॉश, बेहतरीन हैंड वॉश, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया।
कोई चीज़ में नहीं छुपाता। अब आ जाइए जनाब अली, जनाब अली किस पे? आप रेसिपी पे। पानी जनाब अली 85%, SLES शैम्पू 11%, ग्लिसरीन 1.5%, और साल्ट है 2%, KD 2%, कलर 0.25 ग्राम, परफ्यूम 0.5%, पर लुकेट 3%, और DM 0.5%। ये रेसिपी ठीक है जनाब अली। अब यूट्यूब के दोस्तों के पास इनबॉक्स में लिख के भेज दूंगा, तो कोई किसी दोस्त में लालच नहीं है। फेसबुक में 5000 मेरे दोस्त हैं, तो वहाँ फेसबुक में भी दे देता हूँ, तो वहाँ से भी कुछ दोस्त फ़ायदा उठाते। फेसबुक में ग्रुप बनाए सुपर शम्स वाशिंग पाउडर का, वहाँ भी ये एक हफ्ते में 500 दोस्त बन गए, वहाँ से भी दोस्त फ़ायदा उठा रहे। व्हाट्सएप में तो माशाल्लाह सारे हमारे उस्ताद हैं, वो तो तकरीबन 70-80 वो दोस्त हैं, वो तो हमें खुद सिखाते हैं, वहाँ भी मैंने ये अपलोड करूँगा। और यूट्यूब पे दोस्त काफ़ी देखते हैं, काफ़ी मशवरा भी देते हैं, कोई अच्छी रिमार्क कोई नेगेटिव रिमार्क, नेगेटिव रिमार्क में और फ़ायदा मिलता है। और जनाब अली, जनाब अली एक रास्ता मिलता है, एक जुनून पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंड वॉश तैयार हो गया, इसकी रेसिपी मैं यूट्यूब में इनबॉक्स में दे दूँगा। ये है हैंड वॉश, उम्मीद तो आपको ये समझ आ चुका होगा। पहले बता दिया, पहले बेस तैयार करो, बेस में पानी, शैम्पू बेस, और जनाब अली साल्ट अगर डालना चाह रहे हो साल्ट, नहीं तो पानी और शैम्पू बेस। कम से कम 10 घंटा इसको रख दो हिला के फर्स्ट क्लास। जब ये वाइट हो जाए ना, महसूस ही ना हो तो कोई जनाब इसमें कुछ पड़ा हुआ है पानी में, तो ये समझ लो ये पानी में हर केमिकल ने अपने अपने बॉन्ड्स बना लिए पानी के साथ, ये केमिकल मिक्स हो गया, हल हो गया 100%। उसके बाद दूसरा मरहला है 10-12 घंटे के बाद यहाँ आना। यहाँ ये जो केमिकल जो जो आपके रेसिपी में आप उठाते जाए हर 10-15 मिनट में जनाब अली जनाब इसमें डालते जाए, आपका ये तैयार हो जाए। ख़राब हो जाए तो नीचे डब्बे पड़े उसमें हमें फेंकते जाता हूँ, एक दिन सीख लेता हूँ ना, आज सीख लिया। तो हैंड वॉश उम्मीद तो आपको पसंद आ चुका होगा। खुदा हाफिज़।